मेडिकल डिप्रेशन के बारे में क्यों बात कर रहा, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो एक रिसेंट WHO सर्वे में पाया गया है कि मोर देन 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में अर्ली साइन ऑफ डिप्रेशन है और 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को डिप्रेशन है, 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। तो हम जान सकते हैं कि डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है। अब हम ये जानते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, क्या कारण होते हैं डिप्रेशन के और ये स्ट्रेस से कैसे डिफरेंट है। स्ट्रेस हर किसी को होता है, बहुत से लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे कहेंगे कि आजकल मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, आजकल मैं उदास रहता हूँ। बट हर स्ट्रेस में रहने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं होता। स्ट्रेस और डिप्रेशन में फर्क है। स्ट्रेस अगर हमें जॉब का प्रेशर है, अगर हमारे परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर हमारे जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर हमारे काम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो हम कह सकते हैं हम स्ट्रेस में हैं, है ना। कई बार हमारी बॉडी ठीक नहीं है, कई बार हम फिजिकली फिट नहीं है, हम स्ट्रेस में है। मगर इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि हम डिप्रेशन में है। डिप्रेशन कब होता है, जब ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं लाइक डोपामिन, सीरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन, इनमें से किसी भी न्यूरोकेमिकल के कम हो जाने से डिप्रेशन हो सकता है। तो इन न्यूरोकेमिकल के कम हो जाने से क्या होगा, जो पहले हम स्ट्रेस टॉलरेट कर पा रहे थे, जो हमारी लाइफ में पहले स्ट्रेस थे जो हम टॉलरेट कर पा रहे थे, अब हम उन स्ट्रेसेस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे। क्या लक्षण आते हैं डिप्रेशन के, डिप्रेशन के लक्षण होंगे कि इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम उदास रहेगा, उसका किसी भी एक्टिविटी में मन नहीं लगेगा, जो चीज़ें उसको पहले अच्छी लगती थी आजकल वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लगेंगी। उदाहरण के तौर पर पहले उसको क्रिकेट मैच खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो क्रिकेट मैच खेलना नहीं अच्छा लगेगा। उसको पहले बच्चों के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था, अब उसको बच्चों के साथ टाइम बिताना नहीं अच्छा लगेगा। हमेशा थका थका रहेगा, एनर्जी कम रहेगी, फेटिकेबिलिटी रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में अपने काम में कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम हो जाएगी, हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें भूलने लग जाए। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, मेरे को रखी हुई चीज़ें याद नहीं रहती। उसका ये कारण हो सकता है डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, जो कि डिप्रेशन का साइन है। नींद हो सकता है पेशेंट को बहुत कम आ रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है, नींद की समस्याएँ हो सकती हैं, नींद जैसे कि उसको सोने में दिक्कत लगे, पेशेंट सोने जाता है मगर उसको नींद नहीं आती है, या हो सकता है कि बीच रात में पेशेंट उठ जाता है, बार बार उसको बीच रात में उठना पड़ता है, उसकी नींद खुल जाती है, उसको बेचैनी होती है, या हो सकता है कि उसकी नींद सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है और फिर उसको नींद लगती ही नहीं और उसके मन में बुरे या नेगेटिव विचार आते हैं, या हो सकता है डिप्रेशन में नींद बहुत ज्यादा आने लगे। भूख का भी ऐसा ही है, कुछ लोगों को डिप्रेशन में भूख बहुत ज्यादा लगती है, कुछ लोगों की भूख बहुत कम हो जाती है। एक साइन होता है साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी उसमें रिटार्डेशन हो जाता है, चेहरा झुका हुआ रहेगा, कंधे झुके हुए रहेंगे, बहुत स्लो बात करेगा, हर कोई उससे पूछेगा भाई आजकल आप बहुत स्लो लगते हो, क्या कारण। और ये सारे सिम्टम्स अगर 14 दिन 2 हफ्ते से ज्यादा रह रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है। इन सारे सिम्टम्स के साथ साथ कुछ चीजें और भी हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट में अक्सर हम देखते हैं, क्या कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये उसकी पर्सनल लाइफ में, ये उसकी फैमिली लाइफ में, ये उसकी सोशल लाइफ में, ये उसकी ऑक्यूपेशन लाइफ में जहाँ पे वो काम करता है, उसकी पारिवारिक जिंदगी में असर डालना शुरू करते हैं। अब उसको अपने बच्चों के साथ खेलना, अपने परिवार को टाइम देने में रुचि कम हो जाएगी। अब उसकी अपने बिजनेस के प्रति, जहाँ पे भी वो काम करता है, अपने ऑफिस के प्रति उसकी रुचि नहीं लगेगी, उसको लाइफ में रुचि बहुत कम हो जाएगी। उसको लगेगा बस ये सब मेरी जॉब है और मैं कर रहा हूँ, मगर इन सब में किसी में भी मेरी रुचि नहीं है। कई बार पेशेंट के सिम्टम यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि वो सुसाइड, आत्महत्या बारे में भी सोचता है, उसको इस तरह के भी विचार आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या डिप्रेशन का इलाज है और क्या हमें इसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं डिप्रेशन का इलाज है और हमको साइकेट्रिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। इसका बहुत ही जो इलाज है बिल्कुल संभव है। तो
इसके इलाज में बहुत सारी चीजें हैं जो पेशेंट के मन में डाउट उठते हैं, मैं वो भी क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग पेशेंट मेरे पास आके पूछते हैं, क्या ये डिप्रेशन की दवाई एडिक्टिव होती है, क्या ये हमको अब हमेशा खानी पड़ेगी, हमको इसकी आदत लग जाएगी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिप्रेशन की दवाइयाँ बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं होती। डिप्रेशन की कोई भी दवाई एडिक्टिव नहीं होती है, उसकी आदत नहीं लगती है। 6 से 9 महीने का डिप्रेशन की ट्रीटमेंट का कोर्स होता है और उसके बाद आप दवाई छोड़ सकते हैं, उसके बाद दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग आके मेरे साथ ये भी पूछते हैं कि डिप्रेशन की दवाइयाँ क्या नींद की दवाइयाँ होती हैं? तो नहीं, डिप्रेशन की दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ नहीं होती हैं। ये नींद की दवाइयों से बिल्कुल अलग है। डिप्रेशन की दवाइयों से कोई नींद नहीं आती है, इसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि आपको ये दवाइयाँ खाएंगे तो नींद आएगी या ये दवाइयाँ खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सोना आएगा, आप हर वक्त सुस्त रहेंगे, आप काम पर नहीं जा पाएंगे, या ये दवाइयाँ खाते पेशेंट सोते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक चीज और पेशेंट पूछते हैं कि ये जो दवाइयां हैं इनके क्या बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसे ही डिप्रेशन के भी दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, पर कोई भी मेजर साइड इफेक्ट डिप्रेशन की दवाई का नहीं होता। हल्के फुल्के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि नौजिया लगना, हल्का फुल्का पेट खराब होना, जो हम साथ में मेडिकेशन देके उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं और पेशेंट को इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट फील नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूंगा, डिप्रेशन बहुत कॉमन है, डिप्रेशन का इलाज संभव है, हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को बताना चाहिए कि हम इस चीज से गुजर रहे हैं, अपने मन की बात जो है शेयर करनी चाहिए, हमारा एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए जिससे हम अपने मन की बात शेयर करें, हम डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज।